अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। गाइस, आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन होती है और आपको वीडियो मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के बारे में पहले बात कर लेते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कौन होता है? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बेसिकली MSc इन साइकोलॉजी या BS साइकोलॉजी या MSc साइकोलॉजी करने के बाद डिप्लोमे में या MS क्लिनिकल साइकोलॉजी में डिग्री करने के बाद एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनता है। MS क्लिनिकल साइकोलॉजी किया हुआ हो या ADCP किया हुआ हो तो वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बेसिकली आपकी मेंटल इश्यूज़ को, मेंटल प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, इंटरव्यू करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, असेसमेंट करता है, डायग्नोज करता है और फिर आपको थेरापीज देता है। और इसके सेशंस होते हैं, वीकली हो सकते हैं और मंथली भी हो सकते हैं। और जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको थेरापीज के थ्रू ठीक करने की कोशिश करता है। अगर उसने मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी हो तो वो आपको रिकमेंड करता है साइकेट्रिस्ट के पास। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट खुद से मेंटल इश्यूज़ को ठीक करने के लिए मेडिसिन नहीं देता है। अब बात कर लेते हैं साइकेट्रिस्ट की। तो जो साइकेट्रिस्ट होता है उसने MBBS किया हुआ होता है। ये एक मेजर जो है ना, इसमें डिफरेंस है, क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर हम देख रहे हैं कि वो MS कर रहा है, ठीक है, और या MPhil कर रहा है, और साइकेट्रिस्ट जो है वो MBBS कर रहा है, ठीक है। MBBS करने के बाद वो स्पेशलाइजेशन करता है साइकेट्री के अंदर, और उसके बाद जो है वो एक डॉक्टर के तौर पर एक साइकेट्रिस्ट बन जाता है, क्योंकि उसने MBBS किया हुआ है। अब साइकेट्रिस्ट का काम भी यही है कि वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करता है, लेकिन ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को वो मेडिकली ठीक करता है, यानी कि मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, मेडिसिन देकर और जो है ना वो उसको ठीक करता है। ये बेसिकली केमिकली जो बिहेवियर होते हैं उनके ऊपर इसका ज़्यादा फोकस होता है। ये भी जो है, साइकेट्रिस्ट भी जो है वो पहले बीमारी को देखते हैं, असेस करते हैं, उसके बाद डायग्नोस वगैरह करके उसको मेडिसिन की तरफ ज़्यादा उनका फोकस होता है, और मेडिसिन के थ्रू और टॉक थेरेपीज के थ्रू जो है ये इनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। इनका भी जो मकसद होता है वो मेंटल हेल्थ इशू को ठीक करना होता है बंदे की, लेकिन ये जो होते हैं वो प्रॉपर डॉक्टर होते हैं और ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इन्होंने MBBS किया होता है और इनकी स्पेशलाइजेशन होता है साइकेट्री के अंदर, लेकिन ये ज़्यादा जो है वो थेरेपिस्ट को यूज़ नहीं करते हैं। अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा थेरेपीज वाला काम हो तो ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास या एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशन के पास भेज देते हैं। जैसे कि अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को मेडिसिन देनी हो तो वो साइकेट्रिस्ट के पास भेजता है। इसी तरीके से साइकेट्रिस्ट भी अगर ज़्यादा थेरेपीज का काम हो तो वो साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ को जो है वो प्रेफर करते हैं। ठीक हो गया। तो ये मेजर डिफरेंस है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के अंदर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।